अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। है? शुक्र ठीक ठाक। अच्छा, आज अटेंडेंस मैं क्लास में ही लूंगी, तो आफ्टर लेक्चर मैं जो है ना यहीं पे ही आप लोगों की क्लास ले सॉरी अटेंडेंस ले लूंगी। ओके मैम। इतने स्लो स्लो सब आ रहे हैं, पूरे 9 बजे आ जाए करो सब, ताकि क्लास स्टार्ट हो जाए। अब देखो आज की क्लास थोड़ी लंबी है, थोड़ा हैवी इम्पोर्टेंट लेक्चर। एक मिनट तक और वेट करते हैं, फिर मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। ओके क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर्स में, मैंने लास्ट लेक्चर में जिस तरह बताया था कि हम लोगों ने फिजिक्स सारी कंप्लीट की है, बेसिकली हम लोगों ने एक्सरेस को पढ़ना है और एक्सरेस का आगे कहाँ कहाँ यूज है, आगे कैसे मॉडिफाइड होता है दूसरी मोडालिटीज के अंदर, ठीक है, वो सारा हमने। लेकिन बेसिक हमारी जो रेडियोग्राफी का सोर्स है ना, दैट इज एक्सरेस। तो उसका हम लोगों ने सबसे पहले उसकी प्रोडक्शन पढ़ी थी, एक्सरे यूनिट में के कंपोनेंट्स पढ़े थे, ठीक है, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सरे ट्यूब के क्या एक्सरे ट्यूब कैसे डिजाइन किया जाता है, एक्सरे रूम कैसे डिजाइन किया जाता है, कौन सी चीज है जो कि हमारे एक्सरेज को ब्लॉक कर सकती है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, लेड एप्रन्स यूज करते हैं, लेड की वॉल्स यूज करते हैं, लेड जो है वो ब्लॉक कर सकता है, अदरवाइज दीज आर आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो कि हमारे सेल्स को आयोनाइज कर सकती हैं, दे आर हार्मफुल बिकॉज दे आर आयोनाइजिंग रेडिएशन। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। फिर आगे जो हम लोगों ने उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे एक्सरे यूनिट के, उसके अंदर कौन कौन से क्या क्या चीज क्या क्या करती थी, एक्सरे यूनिट के अंदर कंसोल था हमारे पास जिसके ऊपर हम लोग कुछ फैक्टर्स को डिजाइन किया हुआ था जो कि हम ऑपरेट कर सकते थे, और उसको हम चेंज करते हुए अपने फैक्टर्स को एक्सरेज को ऑपरेट करते थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द पेशेंट, या हम कौन सा ऑर्गन एग्जामिन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपने फैक्टर्स को सेट करते थे, ठीक है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हमें ये पता है कि हम वोल्टेज और करंट को जो है वो जनरेट करते हुए हम एक्सरेज को प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये भी हमने पढ़ा था, किस तरह हमारा इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का विद टारगेट, टारगेट किस मटेरियल का होता है, क्यों इतना उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, या किस क्यों इतना उस मटेरियल का हम लोग लेते हैं, उसकी रीजन भी आपको मैंने बता दी हुई है। उसके अलावा जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे ट्रेवल करेंगे, ठीक है, कैसे हीट अप होगा फिलामेंट, ठीक है, बस पहले स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें तो जनरेटर से करंट आएगा, ठीक है, वो हम लोग वोल्टेज की फॉर्म में, केवीपी की फॉर्म में, एमए की फॉर्म में करंट जो है वो जनरेट करवाया जाता है,
जो कि हमारे फिलामेंट को हीट अप करता है, हीट अप करने से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, और फोकसिंग का उनको फोकस करता है टुवर्ड्स द एनोड. एनोड साइड जो है वो हमारी पॉजिटिव साइड होती है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे एंड ड्यू टू इंटरेक्शन हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे. हमने कुछ टाइप्स के एक्सरेज पढ़े थे, दो टाइप्स के एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, एक हमारे पास करेक्टरिस्टिक एक्सरेज थे और एक ब्रिमस्ट्रॉलिंग एक्सरेज थे. वो हमने पढ़े थे कि करेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं और ब्रिमस्ट्रॉलिंग एक्सरेज और उनका क्या कहाँ कहाँ यूज है, ठीक है. ये हमने टाइप्स पढ़ ली थी, एक्सरेज प्रोड्यूस हो गए हैं. फिर उसके बाद हमने कुछ फिल्ट्रेशन पढ़ी थी कि जैसे एक्सरेज निकलते हैं कुछ हमारे पास स्कैटर्ड रेडिएशन होते हैं जो कि इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं और उनकी इंटेंसिटी कम होती है, वो सिर्फ आयोनाइज ही कर सकते हैं बट वो हमारे डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है. इस वजह से हम जो है जो हमारे पास कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग या हमारे पास यूजफुल बीम होती है सिर्फ हम उसी को यूज करते हैं, उन बाकी जो स्कैटर्ड जो रेडिएशन होती हैं उनके लिए हम फिल्टर्स यूज करते हैं, फिल्टर्स लगे होते हैं डेट कैन एब्जॉर्ब द लो इंटेंसिटीज एक्सरेज. ठीक हो गया, एक्सरेज तो प्रोड्यूस हो गए हैं. आगे अब हम लोग एक्सरेज को कहाँ कहाँ इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक्सरेज का क्या यूज है, ठीक. आज का लेक्चर सारा है एक्सरेज इंटरप्रिटेशन. अब हम फिजिक्स से निकल आए हैं, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्लिनिकल साइड. अब हम क्लिनिकली एक्सरेज को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर इस लेक्चर के बाद हम एक्सरे की पोजीशनिंग पढ़ेंगे. हम लोग एक्सरेज अगर करते हैं तो किन पेशेंट के अंदर, अगर कौन सा मेन सारे पढ़ लेंगे हम लोग, और इसके अलावा डिटेल्स जो है वो आपको मैं बुक आपको रिकमेंड कर दूंगी. आप एक्सरे पोजिशनिंग की बुक जो है वो खरीद लें, आपके पास होनी चाहिए, ठीक है. उसके अंदर आपको हर डिटेल व्यू मिलेगा, वो व्यूज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. उसमें क्या होगा कि पेशेंट की हम पोजीशनिंग कैसे करेंगे, कैसे उसको खड़ा करेंगे या लिटाएंगे, कौन से व्यू से हम एक्सरेज लेंगे, ठीक है, और किस ऑर्गन के लिए कितने हम लोगों ने फैक्टर रखना है, कितना केवीपी रखना है, कितना डिस्टेंस रखना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. बट यू शुड नो कि एक्सरेज की इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है, एक्सरेज दिखते कैसे हैं, एक्सरेज के ऊपर व्हाइट चीज क्या होती है, एक्सरेज पर ब्लैक चीज क्या होती है, एक्सरेज को कैसे रीड किया जाता है, ठीक है. ये हम लोग क्लिनिकली आज पढ़ेंगे, ठीक. एक्सरेज हमारे प्रोड्यूस हो गए हैं, फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ ली है. अब हम रेडियोग्राफी के अंदर जो हमारा बेसिक कह सकते हैं सोर्स है वो एक्सरेज है, ठीक है. तो एक्सरेज आर द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्म ऑफ द मेडिकल इमेजिंग. द एक्सरे इमेजेस मेक्स इमेजेस ऑफ द बोन, जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन है उनका हम लोग एक्सरेज करते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी कुछ हमें अच्छे विजुअलाइज होते हैं, कुछ हमें जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, कुछ हमें जो है वो ब्लैक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. जिस तरह मैंने आपको अल्ट्रासाउंड में बताया था कि रेडियोलॉजी की दुनिया ही ब्लैक एंड वाइट है, हमें बस उसी के शेड्स देखने हैं, उसी को शेड्स को हमें पता होना चाहिए कि ब्लैक अल्ट्रासाउंड पे क्या होता है, ब्लैक एक्सरेज पे क्या होता है, वाइट क्या चीज होती है, ठीक, और ग्रे के डिफरेंट शेड्स होते हैं वो हमारे कौन से ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. रेडियोलॉजी वालों की दुनिया ही ब्लैक एंड वाइट है, ओके. तो हम लोग कौन से ऑर्गन को किस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, that will be covered in this lecture. हम लोग देखेंगे, ठीक है. रेडियोग्राफी क्या है, रेडियोग्राफी जो है वो हम लोग का बेसिक सोर्स जो है वो क्या है, एक्सरेज है. फिर हम आगे जो है एक्सरेज को डिफरेंट मॉडिफाइड करते हुए हम लोग डिफरेंट मोडालिटीज में यूज करते हैं, बट जो सोर्स है आपको पता होना चाहिए कि रेडियोग्राफी के अंदर जो है वो एक्सरेज यूज होते हैं. दीज आर आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है. किस लिए यूज किया जाता है एक्सरेज को, टू हेल्प डिटेक्ट और डायग्नोज बोन फ्रैक्चर्स, इन्फेक्शन हो गए हैं, कुछ कैल्सिफिकेशन हैं, ट्यूमर्स हैं, आर्थराइटिस इन जॉइंट्स हैं, बोन लॉस है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे कहते हैं, कुछ डेंटल इश्यूज, डेंटल एक्सरेज किए जाते हैं, ठीक है. और डेंटल एक्सरेज के लिए मशीन दूसरी यूज होती है, बट सोर्स वही एक्सरेज होते हैं, वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. वो जो है ना हम लोग करते भी नहीं है बीइंग अ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, बट यू शुड नो द सोर्स इन डेंटल रेडियोग्राफी, ठीक हो गया. हाउ टू रीड एन एक्सरेज, जैसे मैंने बताया कि एक्सरेज बेसिकली हमारे ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया है, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हमें व्हाइट नजर आते हैं, कुछ ब्लैक नजर आते हैं, कुछ ग्रे नजर आते हैं. तो एक्सरेज के ऊपर जो हमारे पास बोन्स है ना वो व्हाइट नजर आती है, बिकॉज जो है ना वो डेंस होती हैं, सॉलिड होती हैं, और वो क्या करती हैं, रेडिएशन को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है. जो भी सॉलिड स्ट्रक्चर होगा हमारी बॉडी के अंदर उससे क्या होगा, रेडिएशन आगे पास नहीं करेंगी, वो ब्लॉक कर देगा और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर हमारे पास सॉलिड है दैट विल अपीयर्स व्हाइट. देन हमारे पास कुछ मसल्स हैं या फ्लूइड पैक्स हैं, वो रेडिएशंस उसके अंदर से पास कर जाती हैं, बट अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी. जिस तरह हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमने वर्ड्स रखे हुए हैं, जो ब्लैक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम हाइपर एक्वेक कहते हैं, जो व्हाइट सॉरी ग्रे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम हाइपो एक्वेक कहते हैं, जो ब्लैक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्लैक जितने भी फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम एन एक्वेक कहते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें एकोज फील हो रही होती हैं, प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उन एकोज को अकॉर्डिंगली हम जो है नेम देते हैं. अगर हमारे पास एकोज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, दैट मींस साउंड जो है वापस ज्यादा टकरा के आ रही है, वो किसी सॉलिड स्ट्रक्चर से आ रही है, तो वो हाइपर, उसका नाम ही हाइपर एक्वेक है. ठीक है, फिर एन मतलब एबसेंट, कोई एकोज वापस नहीं आ रही, दैट मींस सारी साउंड ट्रेवल कर गई है, ट्रांसमिट हो गई है उस स्ट्रक्चर में से, तो वो फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है. सेम लाइक अल्ट्रासाउंड हम लोग जो है एक्सरेस को भी रीड इसी तरह करते हैं, कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स ब्लैक नजर आते हैं, कुछ ग्रे नजर आते हैं और कुछ ब्लैक नजर आते हैं. तो व्हाइट स्ट्रक्चर्स हमारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो वो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें से रेडिएशन पास नहीं करती हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि दे आर सॉलिड. मसल्स या फ्लूइड या फैट जो है, इनके तीनों, ये मसल्स अलग, फ्लूइड अलग और फैट अलग, इन तीनों की जो अपेरेंस है वो ग्रे के शेड्स में हम लोग देखते हैं. कुछ हमारे पास ज्यादा ग्रे होगा, कुछ हमारे पास लाइट ग्रे होगा, कुछ हमारे पास जो है इसी तरह ग्रे के शेड्स में ये तीनों हम लोग देख सकते हैं. अच्छा, अगर कोई हमारे पास फ्रैक्चर नजर आ रहा है तो हाउ कैन यू से इसके अंदर कोई फ्रैक्चर हुआ हुआ है, क्योंकि ब्लैक यू नो कि आपको जो बोन है वो व्हाइट नजर आ रही है, तो उसके अंदर अगर उस बोन के अंदर आपको ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है तो यू कैन से इट्स अ फ्रैक्चर, राइट. अच्छा, उसके बाद ये है कि हम लोग स्केलेटल कंडीशंस जितनी भी हैं वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम एक्सरेज को यूज करते हुए डायग्नोज करते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले फ्रैक्चर्स, जितने भी फ्रैक्चर्स हैं, जब कोई भी फ्रैक्चर होता है सबसे पहले एक्सरेज ही किए जाते हैं, यही सबसे पहली मोडेलिटी है जो कि यूज की जाती है. ठीक है, ठीक इसी तरह जिस तरह हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर करते होते थे कि भाई अल्ट्रासाउंड सबसे सेफेस्ट है, आईना रेडिएशन नहीं है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम लोग इस ये बोन्स और मसल्स को इतना क्लियरली नजर नहीं आता जितना कि हम लोग इसके ऊपर देख सकते हैं एक्सरेज के ऊपर. ठीक है, तो जितने भी बोनी डिफॉर्मिटीज हैं, बोनी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग एक्सरेज के ऊपर देख सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से. तो स्केलेटल कंडीशंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्चर्स आते हैं, देन हमारे पास ऑस्टियोमेलाइटिस है, कोई भी स्ट्रक्चरल एनामलीज है, डीजेनरेटिव ज्वाइंट कंडीशंस है, ये सारी कंडीशंस स्केलेटल कंडीशंस है दैट कैन बी विजुअलाइज्ड ऑन एक्सरेज. सो ये हमारे पास रूल ऑफ टू इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये आपको पता होना चाहिए बीइंग अ रेडियोग्राफर. व्हाट इज रूल ऑफ टू? रूल ऑफ टू जो है ना, हमारे पास ये चार पॉइंट्स हैं, ये चारों पॉइंट्स के दो दो पॉइंट्स हैं आगे, दैट्स व्हाई इसको रूल ऑफ टू कहा जाता है. नंबर वन, व्यू. जब भी हम एक्सरेज लेते हैं हमें हमेशा दो व्यूज लेने हैं, हमेशा. ठीक है, एक एपी एक लेटरल, क्योंकि आपको पता है जो चीज आप सामने से देख रहे हो वो हमें साइड से नजर नहीं आ सकती, या जो चीज हम साइड से देख रहे हैं वो हमें सामने नजर नहीं आ सकती है. ठीक है, ब्लॉक कर जाते. तो हमेशा जब भी आपने एक्सरे करने हैं हमेशा दो व्यूज में एक्सरेज होंगे, एक होगा एपी एक होगा लेटरल. ठीक हो गया. नंबर टू, टू ज्वाइंट्स, ज्वाइंट अबव एंड बिलो. अगर आप कोई भी ज्वाइंट का अगर एक्सरे कर रहे हो तो आपने उसको सिर्फ उसी ज्वाइंट को नहीं देखना, आपने ज्वाइंट के ऊपर का हिस्सा भी इंक्लूड करना है और ज्वाइंट का नीचे का हिस्सा भी इंक्लूड करना है अपने इमेज के अंदर. ठीक है, तो ये भी टू पॉइंट रूल हो गया. ठीक है, फिर हमारे पास आ गया टू ओकेजन्स, दैट मीन्स कि अगर आपने एक बंदे का एक्सरे पहले हुआ हुआ है, उसने रिपीट करना है एक्सरेज, तो आप उस एक्सरे को जो प्रीवियस एक्सरे है उसको जरूर देखोगे. ठीक हो गया, उसको रिपीट एक्सरेज करवाने से पहले आप उस पहले वाले ओकेजन को देखना है जरूरी. ठीक हो गया. देन टू लिम्स, अगर हम एक लिम्ब का एक्सरे कर रहे हैं तो आपको दूसरे लिम्ब के साथ उसको हमेशा कंपेयर करना है. दैट मीन्स कि अगर आपने नी का अगर एक्सरे करवाना है, नी में एक नी में तो प्रॉब्लम है लेकिन हम दूसरे नी का एक्सरे जरूर करेंगे, बिकॉज वी हैव टू कंपेयर वन जॉइंट विद द अदर. समझ आ गई कि दिस इज द रूल ऑफ टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द रूल ऑफ टू. ये चार पॉइंट्स हैं, इनके आगे दो दो पॉइंट्स हैं. दैट मीन्स आपने जब भी व्यू लेना है दो पॉइंट्स दो व्यूज पे लेना है, एपी एंड लेटर.
जॉइंट का जब भी व्यू करना है तो आपने उसका अबव एंड बिलो का एरिया इंक्लूड करना है. टू ओकेजंस रिपीट एक्सरेज एंड टू लिम्ब्स कंपेयर इट विद द अदर लिम्ब. दिस इज रूल ऑफ टू. देन आपको जब भी एक्सरेज करना है तो ये पॉइंट्स आपको जरूरी लिखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर वन, पेशेंट डिटेल आपको पता होनी चाहिए. पेशेंट का जितना भी उसकी आईडी जो हॉस्पिटल में हो रही है वो आईडी आपने प्रॉपर डालनी है, ठीक है. नेम, उसके बाद उसका डेट ऑफ एग्जाम, फिर उसके बाद साइट. साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ रेडियोग्राफर. आप यकीन करो आप इस छोटी सी गलती से एक पेशेंट की जो है जान ले सकते हो, ठीक है. कैसे जान ले सकते हो? मैंने अपने सामने एक ऐसा पेशेंट देखा था कि एक बंदे ने उसका राइट की बजाय लेफ्ट मार्कर लिख दिया, ठीक है. जब भी हम एक्सरेज लेते हैं ना तो हम लोग मेंशन करते हैं कि ये राइट साइड थी, कोई मार्कर लगाते हैं या कुछ अल्फाबेट लिख देते हैं, आर या एल, वहां पे अल्फाबेट्स होते हैं. जब भी हम कि ये पेशेंट की राइट साइड है, ये पेशेंट की लेफ्ट साइड, तो ये मार्कर लगाना वेरी इंपॉर्टेंट इन रेडियोग्राफी. अगर आप मार्कर नहीं लगाते तब भी मसला, अगर आप गलत लगा देते हो तब तो बहुत ही मसला है, ठीक है. ऐसा पेशेंट मैंने देखा था कि एक रेडियोग्राफर ने उसकी किडनी का होना था स्कैन, ठीक है. उसने किडनी राइट की बजाय लेफ्ट वाली प्रॉब्लमेटिक लिख दी, ठीक है, कि लेफ्ट में प्रॉब्लम है. उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट हमेशा जो है वो आगे जाता है, प्रोसीड किया जाता है. वो उसकी सर्जरी होनी थी और वो जो सर्जिकल जितने सर्जन थे उन्होंने जो सिर्फ एक्सरेज देखना, उन्होंने देखा एक्सरेज ठीक है, लेफ्ट साइड खराब है, उन्होंने निकाल दी. उसकी लेफ्ट साइड खराब थी, उसकी राइट साइड ठीक है, उसका किडनी और निकाल दिया. तो इस राइट और लेफ्ट जरा सा एक भी हमारा इतनी सी गलती जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. तो साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आपने मार्कर लगाना है जहन में बिठा लो, जब भी आप प्रैक्टिकल करो तो आपने मार्कर लगाना नहीं भूलना, और मार्कर आपने राइट साइड या लेफ्ट साइड को देखते हुए सही साइड पे ही लगाना है, ठीक है. आप इंसानियत के साथ खेल रहे हो, आप इंसानियत, एक छोटी सी गलती जो है ना एक इंसान की, जब आप मेडिकल फील्ड में हो ना तो आपको पता है कि कितना ज्यादा आप एक इंसानी जान के साथ खेल सकते हो, ठीक है. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. देन हमारे पास एक्सपोजर है कि आपने एक्सपोजर कितना देना है, वो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं. हमारे पास पता है हमें क्या, हमने किस ऑर्गन के लिए कितना एक्सपोजर देना है, कितना पेशेंट को एक्सपोज करना है उस ऑर्गन को. अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गन है कि हमें ज्यादा उसके लिए पेनिट्रेशन चाहिए तो हम ज्यादा फैक्टर्स रखेंगे. अगर हमने कोई सुपरफिशियल करना है स्ट्रक्चर, उसके लिए हम कम रखेंगे. तो एक्सपोजर डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट डेंसिटी एंड द ऑर्गन डेंसिटी, राइट. फिर हम लोग देखते हैं होल एरिया कवर्ड. आपने जरूर जब भी आपने फॉर एग्जांपल कोई भी एरिया आपने विजुलाइज करना, एग्जामिन करना है, तो आप उसका थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा और थोड़ा सा नीचे का हिस्सा जरूर इंक्लूड करोगे, ठीक है. जब जब भी किसी जॉइंट का एक्सरे, जब भी आप किसी बोन का एक्सरे करोगे तो आपने उसका ऊपर और नीचे का हिस्से को जरूर इंक्लूड करना है, ठीक है, ताकि आपका पूरा एरिया कवर्ड हो जाए. देन टू व्यूज, जो कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में अभी आपको बताया कि हमेशा हम जब भी लेंगे तो दो व्यूज लेंगे, एक एपी और एक लेटरल. दोनों को एक आगे से और एक साइड से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमेजिंग के अंदर आपको पता है कुछ चीजें अगर हम सामने से देख रहे हैं ना तो हमें वो नहीं नजर आती हैं जब तक हम उसको साइड से ना देख लें, ठीक हो गया. फिर हम एबनॉर्मेलिटीज को मैंशन करते हैं कि ये एबनॉर्मेलिटी है उसके अंदर, अगर हम उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं. अच्छा, एक्सरेज जब किए जाते हैं तो कौन सी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है और कौन सी चीजें हमें देखनी है होती हैं अगर बोन जॉइंट या सॉफ्ट टिश्यू के अंदर. नंबर वन इज द रेगुलरिटी. आप बोन देखते हो बिल्कुल रेगुलर है, बिल्कुल उसका मार्जिन जो है स्मूथ है, उसके अंदर कोई जो है इररेगुलरिटी नहीं है, उसके अंदर कोई भी ऐसे स्मूथ उसका बॉर्डर है. अगर कोई फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, उसके अंदर डिफॉर्मिटीज ऐसे लाइन सी हमें नजर आएगी, ठीक है. तो रेगुलरिटी देखना, कॉर्टेक्स इंटैक्ट है कि नहीं है, फ्रैक्चर्स हैं तो नहीं है, लोकेशन अगर है तो किस जगह पे हैं, लोकेशन देखनी है, फ्रैक्चर का पैटर्न देखना है, डिफॉर्मिटी देखनी है, डेंसिटी देखनी है. फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जॉइंट कॉन्ड्रेंसी ठीक है देखनी होती है, फ्रैक्चर एक्सटेंड इंटू जॉइंट डैमेज या डिजेनरेटिव चेंजेस. ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने एक्सरेज के ऊपर देखनी होती है, ठीक हो गया. अगर सॉफ्ट टिश्यू देख रहे हैं तो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर अगर हमको कोई फॉरेन बॉडी नजर आ रही है, उसके अंदर अगर इंफ्लेमेशन हो गई है, स्वेलिंग नजर आ रही है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने एक्सरेज के ऊपर देख सकते हैं. समटाइम्स हमारे पास कोई भी फॉरेन बॉडी के अंदर क्या मतलब होता है,
जो भी हमारे पास मेटालिक चीज है वो भी हमें एक्सरेस पे बड़ी क्लियरली नजर आती है। किसी को बुलेट लगा है, ठीक है, वो फॉरन से हम लोग एक्सरे करवाए जाते हैं, बुलेट देखना होता है कि बुलेट कहाँ तक है, क्या है उसकी पेनिट्रेशन, बहुत डीप लगा है क्या, जो भी है जिस जगह पे भी है, बुलेट बहुत अच्छा एक्सरे पे नजर आ जाता है, बिकॉज मेटल है, हार्ड चीज एक्सरे पे बहुत अच्छी नजर आती है, ठीक है। तो जब भी किसी हार्ड चीज का उनको देखना हो तो एक्सरेस किए जाते हैं, ठीक है, फॉरन बॉडीज के लिए देखना हो, अगर किसी के अंदर कोई भी मेटालिक इम्प्लांटेशन हुई हुई है तो वो बहुत अच्छी नजर आती है। कभी किसी के फ्रैक्चर, सॉरी, वो जो रॉड्स वगैरह लगी होती हैं, ठीक है, उनके जब एक्सरेस किए जाते हैं, एक्सरेस मुझे लगता है मोस्टली आपने से हर एक क्या किसी ना किसी कोई ना कुछ बचपन में या कभी एक्सरेस को जरूर हुए होंगे, आप लोगों ने एक्सरे मशीन देखी होगी, एक्सरेस को देखा होगा। एक्सरे हमारे पास बेसिक एक रेडियोग्राफी है, किस तरह का नजर आता है, ये कुछ फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, अगर आपको क्लियरली नजर आ रही हो उसके ऊपर, तो हम लोगों ने इन फ्रैक्चर्स को किस तरह अकॉर्डिंग टू देयर शेप जो है वो नाम दिए हुए हैं। नंबर वन इज द लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर। अगर आप इस थंब को ऊपर से देख रहे हो ना, तो इसके अंदर ब्लैक कलर की लाइन लॉन्गिट्यूडनली नजर आ रही है, ठीक है, सेंटर में। सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर। अगर आप इसके अंदर देख रहे हो तो ये एक ब्लैक लाइन ओब्लीकली नजर आ रही है, ठीक है, इसके और इसके अंदर, ठीक है, फिंगर के। तो दिस इज ओब्लीक फ्रैक्चर। ये ट्रांसवर्स, ये देख रहे हो ट्रांसवर्सली हमारे पास यहाँ पे ब्लैक लाइंस नजर आ रही हैं, तो दैट इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये हमारे पास स्पाइरल फ्रैक्चर है, जैसे ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है उसी तरह का स्पाइरल फ्रैक्चर होता है, बट ये थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, ठीक है, स्पाइरल नाम से बता रहा है, ट्विस्टेड फ्रैक्चर है, ठीक है। अगर हम लोग इनकी डिस्क्रिप्शन देखें अगर डायग्राम के अंदर, तो ये आपको इस पर क्लियर होगा कि जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होते हैं वो ट्रांसवर्सली यूं बिल्कुल सेंटर में हम लोग को ब्लैक लाइन नजर आएगी। देन हमारे पास ओब्लीक फ्रैक्चर्स होते हैं, ये थोड़ा सा ओब्लीकली ब्लैक लाइन नजर आएगी। स्पाइरल थोड़े ट्विस्टेड होते हैं, इस तरह करके थोड़ी सी एस शेप की तरह होंगे। देन हमारे पास जो है कम्युनिटेड हमारे पास फ्रैक्चर्स हैं, दैट मीन्स एक फ्रेगमेंट नहीं है, उसके अंदर डिफरेंट उसके पीसीज अलग अलग हो गए, ठीक है। यहाँ पे तो दो हमारे पास बोन्स है ना, यहाँ पे हमारे पास तीन चार बोन्स जो है वो अलग से टूट गई है, जिसको हम लोग इस तरह कहते हैं। देन हमारे पास ये सेगमेंटल है, ठीक है, एवल्जन, इंट्रा आर्टिकुलर, कंप्रेशन, ठीक है, ये सारे हमारे पास स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, डिफरेंट टाइप्स हैं फ्रैक्चर्स की। डायग्राम के ऊपर देख लो आप किस तरह के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स भी हैं, ठीक है, बाय द रिलेशनशिप ऑफ वन फ्रेगमेंट टू द अदर, ठीक, उसमें क्या होता है कि या तो हमारा जो एक बोन है वो दूसरे से डिस्प्लेस हो जाएगी, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, या फिर वो एंगुलेशन उसकी हो जाएगी, थोड़ा सा ये नीचे को इस तरफ को ट्विस्ट हो गया, मतलब दैट मीन्स उसमें एंगल, ये डिस्प्लेसमेंट है। देन या तो हमारे पास शॉर्टनिंग हो जाएगी, एक ये देख रहे हो ओवरलैप कर गया इसके ऊपर, ठीक है, शॉर्टनिंग हो गई थी, या फिर उसके अंदर क्या आ सकती है, रोटेशन आ सकती है, दिस इज रोटेशन, ठीक है, वो ट्विस्ट हो जाएगा आप एक बोन दूसरे बोन के ऊपर। मोस्ट फ्रैक्चर डिस्प्ले मोर दीज अबनॉर्मलिटीज, राइट। अब हमारे पास जिस तरह मैंने लास्ट में बताया था, बाय द नंबर ऑफ फ्रैक्चर सेगमेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि वो सिंपल फ्रैक्चर है जो कि टू बोन्स के दरमियान होता है, या वो कम्युनिटेड हमारे पास जो है वो फ्रैक्चर होता है दैट इंक्लूड्स मोर देन वन बोन, उसके अंदर टू बोन्स से ज्यादा हो सकती हैं, फ्रेगमेंट्स अलग अलग से हमें नजर आ रहे हैं, दिस इज सिंपल एंड दिस इज कम्युनिटेड, ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो है बाय द रिलेशनशिप ऑफ द फ्रैक्चर टू द एटमोस्फेयर, हम लोग इनको क्या कह सकते हैं, ये फ्रैक्चर्स या तो क्लोज हो सकते हैं, ओपन और कंपाउंड हो सकते हैं, या बेस्ट इवैल्यूएटेड क्लिनिकली हम देखते हैं इनको, ठीक है। देन हमारे पास जॉइंट, जॉइंट को हम लोग जब भी एक्सरेस के ऊपर देखते हैं तो हम लोगों ने क्या चीज देखनी होती है, एक तो जॉइंट स्पेस, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द जॉइंट इवैल्यूएशन। उसमें क्या होता है कि हम लोगों को जॉइंट स्पेस में, आपको पता है कि हमारे पास फ्लूइड होता है, कौन सा फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है हमारे जॉइंट्स के अंदर। वो क्या करता है कि जब भी हम लोगों की जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाती है, तो वैसे तो हमें जॉइंट स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है वो ब्लैक नजर आ रहा होता है, ठीक है, जब भी हम लोगों का वो उसके अंदर स्पेस कम हो जाती है तो हम देख सकते हैं कि इस जॉइंट के अंदर जो है वो ब्लैक जो लाइन है वो बिल्कुल बारीक हो गई है, दैट मीन्स उसके अंदर जो है ना जॉइंट नैरोइंग हो गई है,
ठीक है, स्पेस रिड्यूस हो गई है, बड़ी क्लियरली हमें नजर आ रही होती है। या फिर हम लोग जॉइंट्स के अगर कॉर्नर्स पे देखें ना, तो हमें ऑस्टियोफाइट्स बड़े क्लियरली नजर आते हैं। ऑस्टियोफाइट्स क्या होता है? बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं छोटी छोटी सी, एक नॉर्मल जिस तरह की बोन होती है उसके अलावा एक छोटे छोटे से, जिस तरह आप अपनी वर्डिंग में कह सकते हो, छोटे छोटे से कांटे से बाहर को नजर आना, छोटी सी उभार सी नजर आती है, छोटे छोटे कांटे, ठीक है। तो वो जो आउट ग्रोथ होती है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स। वो हम लोगों को विद डिजेनरेटिव चेंजेस क्लियरली नजर आते हैं। अगर आप देखो 40 प्लस या 50 प्लस पेशेंट के अगर एक्सरेज किए जा रहे हैं ना, तो उसके अंदर ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं। दिस इज डिजेनरेटिव चेंजेस। हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर डिजेनरेटिव उनकी जो अपेयरेंस है वो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। बोन का टेक्सचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देख रहे हो कितना अच्छा हमें अभी इसके अंदर तो टेक्सचर नजर आ रहा है। अगर हमारा पेशेंट जो है उसके अंदर उसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा खुरदरा खुरदरा नजर आ रहा है, तो हमें वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स बड़े क्लियरली ज्यादा ज्यादा नजर आएंगे, ठीक है। ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा बोन नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक। वो ऑस्टियोप्रोसिस के अंदर आपको इस तरह की बोन्स नजर आएंगी। तो टेक्सचर इज इम्पॉर्टेंट। जब भी हम लोग अभी हम देख रहे हैं कि एक्सरे के ऊपर हमें बोन्स के अंदर क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, हमें बोन्स के अंदर उसका टेक्सचर देखना होता है, बोन के अंदर हमने उसकी स्पेस देखनी होती है, हमने अगर फ्रैक्चर है तो वो देखना होता है किस किस्म का फ्रैक्चर है, ठीक है। फिर उन बोन्स के साथ हमारे साथ कुछ सॉफ्ट टिश्यूज अटैच होते हैं, अगर उनकी कोई एनोमली है तो वो हमें किस तरह नजर आ सकती है। ये आप देख रहे हो एक ज्वाइंट था, ज्वाइंट के यहाँ पे फ्रैक्चर है, ब्लैक लाइन नजर आ रही थी, ठीक है। उस फ्रैक्चर की वजह से जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज है उसमें क्या हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, ठीक। तो हमें एक्सरेज के ऊपर किस तरह नजर आएगी? अगर वहां पे ब्लीडिंग हो गई है, ब्लड नजर आ रहा है, ब्लड इज फ्लूइड, तो वो हमें फ्लूइड जो है वो ये देख रहे हो बिल्कुल फ्रेश ब्लड व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, और जो फैट है वो हमें ब्लैक नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल किसी को इंजरी हुई है, ट्रॉमा था, उसका फ्रैक्चर बोनी हुआ है, और सॉफ्ट टिश्यू में हम लोग देख सकते हैं कि एक तो स्वेलिंग नजर आ रही होगी, उसके मसल्स जो हैं वो हमें स्वेलन नजर आ रहे हैं, प्लस हमें उसके अंदर ब्लड नजर आ रहा है, फैट नजर आ रही है। दिस इज द सॉफ्ट टिश्यूज एनामलीज। फिर ज्वाइंट की एनाटमी जो है वो हमें जो है किस तरह आपको पता होनी चाहिए। एनाटमी सबसे इंपॉर्टेंट है। इमेजिंग वालों को तो मैं बार बार कहती हूँ, हर मोडेलिटी के अंदर आप कोई भी पढ़ रहे हो, एक्सरे पढ़ रहे हो, सीटी पढ़ रहे हो, एमआरआई पढ़ रहे हो, अल्ट्रासाउंड पढ़ रहे हो, आप लोगों की एनाटमी इतनी अच्छी होनी चाहिए बिकॉज यू हैव टू विजुअलाइज, आपको देखना है। आप इमेजिंग के स्टूडेंट हो, जब आपको यही नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है और क्या चीज किस तरह की दिखती है, तो आप क्या विजुलाइज करोगे? तो आपकी एनाटमी बाकी डिपार्टमेंट वालों से सबसे बेस्ट होती है, रेडियोलॉजी वालों की। उन्होंने इमेज करना है, उन्होंने देखते साथ बता देना है कि दिस इज दिस एंड दिस इज दैट, ठीक है। उनको नॉर्मल चीजों का पता है तो वो एबनॉर्मेलिटी को फौरन से डिटेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ज्वाइंट एनाटमी आपको पता है कि जब भी दो बोन्स मैंने अभी आपको बताया था, उसके अंदर स्पेस होती है, उसमें फ्लूइड होता है, ठीक है। अभी आप देखो तो इसके अंदर हमें क्या क्या नजर आ रहा है, दिस इज फीमर बोन, ठीक है, टिबिया फिबुला है नीचे, और किसका माइक ऑन हो गया, अच्छा ये जॉइंट स्पेस है। जॉइंट स्पेस में आपको देख रहे हो इसके अंदर आपको कुछ कार्टिल, ये जो है मेनिस्कस नजर आते हैं, लेटरल मेनिस्कस होता है, एक मीडियल मेनिस्कस होता है, ठीक। ये जो आपको ग्रीन से कलर का बैंड नजर आ रहा है, दिस इज लिगामेंट जो कि हमारे दोनों साइड्स पे जो बोन्स हैं उनको यूनाइट करता है, ठीक हो गया। तो ये किस तरह के हमें इसके अंदर चीजें नजर आती हैं। दिस इज टू व्यू जो कि हमने रूल ऑफ टू में पढ़ा था कि हमने हमेशा जब भी एक्सरे करना है तो हमने टू व्यू एक्सरे करना है। ये हमारे पास एंकल का एक्सरे हुआ है। अगर हम एपी व्यू में देखें तो हमें काफी चीजें ओवरलैप होती नजर आ रही हैं, हम लोग उसको क्लियरली नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ है। और अगर फ्रैक्चर हुआ है तो देख रहे हो कि उसके पोस्टीरियर साइड पे हमें एक ब्लैक लाइन जो कि अगर इस लेटरल व्यू में देखो तो क्लियर नजर आ रही है। अगर इसी व्यू को हम फ्रंट से देखें तो हमें वो फ्रैक्चर नजर नहीं आ रहा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस है किसकी, टू व्यू की, कि हमने जब भी इमेज लेना है दो व्यू में लेना है, बिकॉज अगर हम एक व्यू सामने से लेंगे तो वो ओवरलैप कर सकता है, हमारी कुछ चीजों को छुपा सकता है बैक पे, तो हमने उसको लेटरली भी देखना है। अब अगर हम फ्रंट से देख रहे थे तो हमें नजर नहीं आता, अब लेटरल देख रहे हैं तो हमें ये फ्रैक्चर नजर आ रहा, ठीक है। तो एपी लेटरल टू व्यूज हम लोगों को लेने जरूरी है। देन ये देखो आर्टिफैक्ट्स होते हैं हमारे, जब भी हम एक्सरेज करवाते हैं, ये अगली स्लाइड है, हाउ यू प्रिपेयर। जब भी हम एक्सरेज किसी भी मोडालिटी का करवाते हैं तो बीइंग अ रेडियोग्राफर यू शुड प्रिपेयर द पेशेंट फॉर दैट इमेज,
ठीक है, अगर हम कोई भी एग्जाम कर रहे हैं तो हमने उसको प्रिपेयर करना है, हमने उसकी कोई भी मेटल की चीज, आपको पता है मेटल की चीज व्हाइट कलर की एक्सरे पे नजर आती है, बेशक वो इंटरनल हो बेशक वो एक्सटर्नल हो, तो हमने एक्सटर्नल, या देखो उसने रिस्ट का अपना स्कैन करना था तो उसने चूड़ियां पहनी हुई थी, और ये हमें सारी जो है ना इसके ऊपर इस तरह की बैंगल्स इस पे नजर आ रही हैं व्हाइट कलर की, तो हमने क्या करना है, ये और भी कुछ आर्टिफैक्ट्स नजर आ रहे हैं जो भी उसने कुछ पहना होगा, ब्रेसलेट पहना है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो दीज आर आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली हम लोग हर मोडलिटी के आर्टिफैक्ट्स पढ़ेंगे, एक्सरेस के आर्टिफैक्ट्स हैं उसके, हमारे पास क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड के कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं कि अनवांटेड चीज हमें नजर आए, ठीक है, कोई भी, वो मशीन की भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मशीन की खराबी हो सकती है, कुछ उसके अंदर कुछ डॉट्स नजर आ सकते हैं, कुछ क्या जो भी चीज हमें नहीं चाहिए, जो हमें ऐसे उसको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप्स के आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कुछ मशीन्स के, कुछ मैन मेड, कुछ किस तरह के, कुछ एक्सपोजर के, ठीक है। तो दीज आर द आर्टिफैक्ट्स। तो यू शुड प्रिपेयर द पेशेंट अकॉर्डिंगली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरेज रिक्वायर डिफरेंट प्रिपरेशन, आस्क योर डॉक्टर और नर्स टू प्रोवाइड यू विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आपने पेशेंट को गाउन पहनाना है, ठीक है। इन जनरल यू अनड्रेस व्हाटएवर पार्ट ऑफ योर बॉडी नीड्स एग्जामिनेशन, यू मे वेयर अ गाउन ड्यूरिंग द एग्जाम डिपेंडिंग ऑन विच एरिया इज बीइंग एक्सरेड, यू मे ऑल्सो आस्क टू रिमूव ज्वेलरी, आई ग्लासेस एंड एनी मेटल ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे कैन शो अप ऑन एन एक्सरे, जो कि मैंने भी आपको आर्टिफैक्ट की फॉर्म में दिखाया था। तो यू शुड हैव टू रिमूव ऑल द मेटालिक ऑब्जेक्ट्स जो भी पेशेंट के आप देख सकते, जो भी हम रिमूव करवा सकते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि पेशेंट की कुछ इम्प्लांटेशन हुई होती हैं तो वो हम लोग रिमूव तो नहीं करवा सकते, बट अगर हम हिस्ट्री लें तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट की कोई मेटल इम्प्लांट हुआ हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है MRI स्कैन करने के लिए, ठीक है। हम उस पेशेंट का MRI नहीं कर सकते हैं जिसके अंदर कोई मेटेलिक इम्प्लांटेशन हुई हो, बिकॉज MRI इज अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम इमेज क्रिएट करते हैं, अगर मेटल होगा तो वो उसके पेशेंट को हार्म कर सकता है, मेटल अट्रैक्ट करेगा मशीन में, इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि MRI रूम के दूर दूर तक जो है हम कोई भी मेटल की चीज नहीं लेकर जा सकते। आप बाहर शीशे के बाहर जहाँ पे कंसोल रूम होता है वहां बैठ के देख सकते हो, जब भी अगर आपने अंदर जहाँ रूम जहाँ स्कैन हो रहा है अगर आपके पास छोटी सी भी मेटल की कोई चीज होगी ना, आपने घड़ी भी पहनी होगी, ठीक है, तो आप सीधा मशीन के अंदर से आके अट्रैक्ट हो गए। और इस तरह के बड़े बड़े वाकयात देखे हैं हमने, बड़े डैमेज देखे हैं, ठीक है। तो कई दफा जो है ना पेशेंट को व्हीलचेयर, वो नहीं उठ सकता, व्हीलचेयर उठा के ले गए अंदर तक, व्हीलचेयर ले गए पेशेंट, वो पेशेंट इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो पेशेंट समेत व्हीलचेयर यूं जाके उसमें लगी है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोगों ने मेटल जो है वो रिमूव करवाना होता है, जो कि रिमूव करा सकते हैं, अदरवाइज उसके अंदर इंटरनल कोई इम्प्लांटेशन है तो हम उसका MRI नहीं करते हैं। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर डूइंग एनी एग्जाम, ठीक है। फिर हम डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्चर्स पढ़ते हैं, ये बस आप जल्दी जल्दी इनके नाम आपको पता होने चाहिए और ये दिखते कैसे हैं, किस एरिया में होते हैं। ये हैंगमैन फ्रैक्चर जो होता है वो ड्यू टू जो हाइपर एक्सटेंशन जो है ना, इस वजह से होता है। ये मेनली हम लोग जो कार एक्सीडेंट्स होते हैं ना उसके अंदर बड़ा कॉमन है ये फ्रैक्चर। क्या होता है कि एकदम से आपको झटका लगता है तो आपकी जो नेक की जो बोन्स है ना वो हाइपर एक्सटेंड कर जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्रैक्चर आ सकता है। तो दिस इज नोन एज हैंगमैन फ्रैक्चर। देन हमारे पास स्पाइरल फ्रैक्चर था। ये क्या होता है, ये पीडियाट्रिक्स में बहुत 8-15% होता है, 12-20% जो है वो इन्फेंट्स में है, और 80% ऑफ द चाइल्ड अब्यूज फ्रैक्चर्स अकर इन चिल्ड्रन लेस देन 18 months, ठीक है। तो ये स्पाइरल फ्रैक्चर इज इम्पॉर्टेंट, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बिल्कुल इस तरह ट्विस्ट होके अलग हो गया है, तो दिस इज स्पाइरल फ्रैक्चर। अच्छा, ओकुलर सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर क्या होता है, इसके अंदर फ्रैक्चर के साथ साथ हमें पोस्टीरियरली जो है वो सॉफ्ट टिश्यू की भी इंजरी नजर आती है, जिसको हम सेल साइन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप देखो तो हमारे पास डिस्टल ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है, ठीक है, ये देख रहे हो इसके अंदर ये लाइन डिस्टली ये सेंटर के अंदर, ठीक है। तो डिस्टल ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा, ये अडल्ट में रेयर होता है बट चिल्ड्रन में बहुत कॉमन है। Can lead to immobility if undiagnosed. ये posteriorly fat pad हमें white color का greyish white सा नजर आ रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास sale sign है, that is हमारे पास swelling हो जाती है around that joint. अच्छा,
नेम ऑफ द फ्रैक्चर, हमारे पास एक दो फ्रैक्चर्स हैं जिनको हम लोग किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं. नंबर वन इज द स्मिथ फ्रैक्चर एंड नंबर टू इज द कूलीज फ्रैक्चर. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट देम? जो हमारे पास कूलीज फ्रैक्चर है ना वो आउटवर्ड फ्रैक्चर होता है और जो स्मिथ फ्रैक्चर है वो इनवर्ड फ्रैक्चर है. दिस इज द ओनली डिफरेंस. ओके, कूलीज फ्रैक्चर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस, डॉर्सल एंगुलेशन है. बस आप इमेज को देख लो तो आपको समझ जाता है कि व्हाट इज कूलीज फ्रैक्चर एंड व्हाट इज स्मिथ फ्रैक्चर, इनवर्ड एंड आउटवर्ड. ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर एंड आर सीन इन ऑल एज ग्रुप्स, कैन बी एसोसिएटेड विद ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस, सॉरी. ठीक है, आज मैं दिमाग मेरा बिल्कुल जो है ना आपको अंदाजा हो रहा होगा काम नहीं कर रहा. एक्चुअली कल हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई है ड्यू टू कोरोना, तो मैं वही सबको कहती हूँ प्लीज आप जो है ना अपना ख्याल रखें सब. हम लोग जो है नहीं सीरियस ले रहे हैं कोरोना को, कोरोना वाकई जो है ना जान दे रहा है हर फैमिली में, मैं तो सुन रही हूँ आजकल. तो अपना बहुत सारा सब ख्याल रखो. मेरा माइंड आज जो है ना बिल्कुल वैसा नहीं है. अच्छा, सेकेंड हमारे पास स्मिथ फ्रैक्चर है, वो हमारे पास आउटवर्ड जो है फ्रैक्चर है जो कि आपने इमेज में अभी देखा है. यंग मेल्स और एल्डरली फीमेल्स के अंदर ये बहुत कॉमन है. ठीक है, दोनों का आपको जो डिफरेंस है वो ये है कि वन इज द आउटवर्ड एंड अदर वन इज द इनवर्ड फ्रैक्चर्स. ठीक है, इस पिक्चर में देखो तो आपको ये देख रहे हो, दिस इज कूलीज फ्रैक्चर एंड दिस इज स्मिथ फ्रैक्चर. अच्छा, बॉक्सर फ्रैक्चर क्या होता है? बॉक्सर फ्रैक्चर, इसका नाम ही इसलिए दिया हुआ है बॉक्सर फ्रैक्चर, ये बॉक्सर्स के अंदर जो है ना बड़ा कॉमन है. आपको पता है बॉक्सर्स किस तरह फाइट करते हैं, उनकी जो है ना जो मेटाकार्पल्स वो सामने वो ही तो मार रहे होते हैं दूसरे को. ठीक है, तो उनका फ्रैक्चर होने का बड़ा चांस होता है और वो कॉमन होता है बहुत. तो इसीलिए जो है मेटाकार्पल के फ्रैक्चर को, जो फिफ्थ मेटाकार्पल है उसकी नेक में फ्रैक्चर होता है तो उसको हम बॉक्सर फ्रैक्चर कहते हैं. और इसको बेसिकली ज्यादातर हम सर्जिकली इसको ठीक कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप ये देखो तो इस एक्सरे के अंदर फिफ्थ मेटाकार्पल बोन की फ्रैक्चर हुआ हुआ है. देख रहे हो कितना सोए किस्म का फ्रैक्चर हुआ हुआ है, अलग से बिल्कुल ही टूट गई है. ठीक है, एक तो होता है लाइन फ्रैक्चर की आपको बिल्कुल एक लाइन लेकिन आपकी बोन इंटैक्ट. वानिया आपका अलार्म बज रहा है मेरा ख्याल, आप सो के अब उठियो, बंद करो अपना ये म्यूट करो. ठीक है, तो ये हमारे पास जो फ्रैक्चर है कुछ लाइन फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें क्या मैं बता रही थी कि बिल्कुल बोन्स जो है वो इंटैक्ट होती हैं, बिल्कुल ओवर डिस्प्लेस नहीं होती हैं, लेकिन आपको उसके अंदर फ्रैक्चर एक लाइन नजर आती है, वो जल्दी रिकवर कर सकती है. समटाइम्स ऐसा होता है फ्रैक्चर होने की वजह से बिल्कुल ही बोन डिस्प्लेस हो जाती है, पहले हम उसको अपनी प्लेस पे लेके आते हैं, फिर आस्ता आस्ता अंदर उसके अंदर रिकवरी होती है और वो ज्वाइंट जो है वो होता है. ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर भी डिस्प्लेसमेंट हुई हुई है. ठीक है, और अगर आप देखो तो इस एक्सरे के अंदर दिस इज द मार्कर साइन आर, मतलब दिस इज राइट साइड, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. इस तरह हम एक्सरे के ऊपर कोई साइन कोई आर कोई कुछ लगा देते हैं कि दिस इज द राइट साइड. ठीक है, अच्छा, कैल्केनियस फ्रैक्चर्स सीवियर एक्सियल लोड मैनेजमेंट क्या हो सकती है? पोस्टीरियर स्प्लिंट, नॉन वेट बेयरिंग, ऑर्थोपेडिक रेफरल्स. ये हमारी कैल्केनियस बोन के अंदर फ्रैक्चर देख रहे हो आप. अभी मैं सिर्फ आपको फ्रैक्चर्स दिखा रही हूँ किस तरह नजर आते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरे है चेस्ट रेडियोग्राफी. ठीक है, चेस्ट एक्सरेज बड़े कॉमन हैं, देखे जाते हैं और इनकी क्या इंडिकेशंस हैं वो हम पढ़ते हैं. द चेस्ट एक्सरेज परफॉर्म टू इवैल्यूएट द लंग्स, हार्ट एंड चेस्ट वॉल. यही तो हमारे पास स्ट्रक्चर हैं जो कि हम लोगों को थोरेक्स में नजर आते हैं. द चेस्ट एक्सरेज टिपिकली फर्स्ट इमेजिंग टेस्ट यूज टू हैव डायग्नोस सिम्टम्स सच एज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, बैड और परसिस्टेंट कफ, चेस्ट पेन और इंजरी और या फीवर. ठीक है, ये हमारी इंडिकेशंस है फॉर द चेस्ट एक्सरेज. अब आप एक एक कोई डिजीजेस में बता देती हूँ कि किस तरह की नजर आती हैं. कंसोलिडेशंस जो हैं कोई भी अगर लंग्स के अंदर है तो वो हमें व्हाइट कलर का इस तरह का अगर आप देखो तो इस एक्सरे के अंदर हमारा राइट लोब जो है अपर साइड से यहाँ पे कंसोलिडेशन है. एयर हमें एक्सरेज के ऊपर ब्लैक नजर आती है. अगर आप कभी भी चेस्ट एक्सरे देखो तो हमें लंग्स में ब्लैक कलर के नजर आते हैं, लेकिन इस लंग को देखो तो हमारा अपर जो हमारा लोब है दैट इज व्हाइट व्हाइटिश. वो क्या है? इसके अंदर कंसोलिडेशन हुई है. ठीक है, कंसोलिडेशन क्या होती है कि अगर हमारे अगर हमारे जो एयर वेज हैं हमारे पास एल्वियोलाइज होते हैं ना उसके अंदर अगर एयर की बजाय कोई और चीज आ जाए तो वहां पे कंसोलिडेशन
हो जाती है, ठीक है, कोई पानी आ गया है, कोई और चीज आ गई, कोई ट्यूमर है, कुछ भी है अदर देन एयर जो है वो कंसोलिडेशन कॉज कर सकता है, और वो एक्सरेस के ऊपर इस तरह व्हाइट कलर की नजर आती है। एयर हमें जो है वो ब्लैक नजर आती है, कंसोलिडेशन हमें व्हाइट नजर आती है, ठीक है। अब इस एक्सरे में देखो तो इसके अंदर भी हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि राइट लंग अपर लोब में कंसोलिडेशन हुई है। निमोथोरेक्स क्या होता है? निमो इज एयर। अगर हमारी जो लंग और जो प्लूरल कैविटी है, ठीक है, उसके दरमियान एयर आ जाती है तो दैट इज निमोथोरेक्स, और वो ये देख रहे हो उसकी वजह से हमारा लंग जो है वो कोलैप्स हो सकता है, ठीक। एक्सरेज के ऊपर हमें यू नजर आते हैं। अगर हम इस तरह देखें तो ये देख रहे हो ये एक्सरेज के, अगर हम हमें पता है ना कि किस तरह का हमारे थॉरेक्स के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे पास राइट लोब है लंग का, ये लेफ्ट लोब है, ठीक है। सेंटर में आपको स्पाइन नजर आ रही है बैक साइड पे, ठीक है, ये अंदर सेंटर में जो हमारे क्या कह सकते हैं इनको डिस्क है ब्लैक कलर की, ठीक है, ये सारी नजर आ रही है हमारे वर्टेब्रास के सेंटर में, ये पीछे स्पाइन हो गई, ठीक है। फिर उसके अलावा ये हमारे पास क्लाविकल बोन है, किधर जा रही है, किधर जा रही है, क्लाविकल बोन स्टर्नम के साथ अटैच होती है, सेंटर में स्टर्नम है, इधर ही हमारा ट्रेकिया होता है यहाँ से, और ये ब्लैक कलर का यहाँ नजर आ रहा है ना, अगर इस इमेज में देखो तो बड़ा क्लियर ब्लैक कलर का यहाँ नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस, ब्लैक एयर होती है तो यहाँ पे क्या चीज है मैम? ट्रेकिया होगा। ट्रेकिया, यस, दिस इज ट्रेकिया, ये ब्लैक है बिकॉज इट्स में एयर है, तो ट्रेकिया यहाँ पे आगे आके वो दो में यहाँ डिवाइड हो जाते हैं, एक राइट साइड पे लंग्स में, एक लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर हमें इतनी सारी चीजें मिलती हैं जो कि हम ओवरलैप कर सकते हैं, इसलिए हम जब भी करते हैं तो एक्सरेज एपी और लेटरल बड़ा इंपॉर्टेंट है लंग्स के अंदर भी। अब ये देखो इसके अंदर ट्रेकिया भी है, एसोफिगस जो है वो हमें यहीं पे बैक पे एसोफिगस भी नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप इधर देखो ना तो यहाँ पे डेविएट हुआ हुआ है ट्रेकिया, ये देख रहे हो यहाँ को गया हुआ, ये इधर को जाके ये देखो इधर को आ रहा है, ट्विस्ट सा हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास ये अगर इसमें देखो तो ये हमारे हार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हार्ट पड़ा हुआ है, ये हमारी नीचे जो वाइट दो हमारे पास क्या है डायफ्राम्स हैं लंग्स के, ये इधर और ये इधर, ठीक है, और ये हमारे पास कोलैप्स लेफ्ट लंग हुआ हुआ, ठीक है। दिस इज निमोथोरेक्स, दैट मीन्स एयर इन द प्लूरल कैविटी, प्रेजेंस ऑफ द एयर या गैस इन द प्लूरल स्पेस इज निमोथोरेक्स, ट्रोमेटिक या स्पंटेनियस हो सकता है। रेडियोग्राफिक फीचर्स में क्या नजर आता है? नो लंग मार्किंग बियॉन्ड वाइट लाइन विजुअल प्लूरा, पेरिफेरल स्पेस इज रेडियोल्यूसेंट। अच्छा, हम उसके अंदर रेडियो सॉरी एक्सरेस के अंदर वर्ड क्या नाम है, अल्ट्रासाउंड के अंदर हम वर्ड्स यूज करते हैं हाइपर इक्विक, एन इक्विक और हाइपो इक्विक अकॉर्डिंग टू देयर अपेयरेंस। यहाँ पे हम यूज करते हैं रेडियो ल्यूसेंट, रेडियो ओपेक, ठीक है, ये वर्ड्स। अब आप लोगों ने इनको जो है ना अलग अलग लेना, ये ना हम एक्सरेस के ऊपर आप हाइप मैं पूछूं वाइट चीज क्या है आप बोलो हाइपर इक्विक, नो, हाइपर इक्विक का वर्ड हम एक्सरे सॉरी अल्ट्रासाउंड के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जितने भी अपेयरेंस है वो उसके ऊपर इस तरह की नजर आती है क्योंकि उसके अंदर एकोजेनिसिटीज देखनी होती है, तो हाइपर हाइपो या एनिक्विक, इसके अंदर हम रेडियोग्राफी सोर्स है हमारी, एक्सरे सोर्स है, तो हम जो वर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं उनको अकॉर्डिंगली उस तरह का हम यूज करेंगे। अगर वाइट है तो रेडियो ओपेक, क्योंकि क्या करता है ओपेक स्ट्रक्चर जो है वो ब्लॉक कर देता है ना हमारी रेडिएशन को, तो वाइट वाले जितने सॉलिड स्ट्रक्चर है वो रेडियो ओपेक है, उसके अलावा रेडियोल्यूसेंट है जो ब्लैक वाले हैं, ठीक है। फिर हमारे निमोथोरेक्स के अंदर क्या चीज होती है? मे सी वी कैन सी लंग कोलैप्स, सबक्यूटेनियस एयर मे बी सीन इफ मीडियास्टिनम इज शिफ्टेड, टेंशन या इधर राइट या लेफ्ट हमारे पास उसके अंदर डेविएशन है वो नजर आ सकती है। चेस्ट ट्यूब उसकी मैनेजमेंट है, जब भी हम करते हैं वो एयर को हम लोग विड्रॉल करने के लिए। अब हमारे पास एक्सरेज के अंदर कुछ फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हमने आगे पढ़ेंगे कि एक्सरेज तो स्टैटिक इमेजिंग है ना, एक इमेज ले लिया हमने बस, फ्लोरोस्कोपी के अंदर हम लोग जो है डायनामिक इमेजिंग करते हैं, दैट मीन्स मूवमेंट देख रहे होते हैं। उसके अंदर हमें बड़े ज्यादा प्रोसीजर्स हैं वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। उसमें क्या होता है कि हमने अगर कोई डाय डालना है पेशेंट के अंदर, डाय जो है कॉन्ट्रास्ट मटीरियल होता है, वो हमें व्हाइट नजर आता है समटाइम्स। अब देखो अब इसके अंदर एसोफिगस हमें नजर नहीं आ रही थी, हमें नहीं पता उसकी लाइनिंग कैसी है। अब उसकी लाइन को आउटलाइन करने के लिए हम पेशेंट को कुछ कॉन्ट्रास्ट कुछ पिलाते हैं या कुछ इंजेक्ट करते हैं, हर उसके लिए डिफरेंट होता है, किसी के अंदर इंजेक्ट करते हैं किसी के अंदर उसको पिला रहे होते हैं,
ठीक है, तो वो हमारे उस स्ट्रक्चर को उसकी उसको हाईलाइट कर देता है, व्हाइट नजर आता है. तो वो मटेरियल जो है ना उसको हम कॉन्ट्रास्ट मटेरियल कहते हैं. ठीक है, वो हमारा बेरियम का हो सकता है या आयोडीन का हो सकता है. तो कॉन्ट्रास्ट मीडियम, बेसिकली कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो होता है ना वो क्या करता है कि हमारे स्ट्रक्चर्स को, जो भी हमारे पास हॉलो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हाईलाइट कर देता है. ठीक, अगर इस इमेज में देखो तो हमें किडनीज अच्छी नजर नहीं आती हैं, हमें यूरेटर्स नजर नहीं आते हैं. जब भी हमने किडनी का स्कैन अगर करना है तो हम क्या करते हैं, उसको डाई इंजेक्ट करते हैं. डाई जो है वो उसके ब्लड के थ्रू आता हमारी किडनी, ये देख रहे हो किडनी के अंदर, इस किडनी और इस किडनी में आपको देख रहे हो इसके अंदर क्या हुआ होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई हुई है. ठीक है, आप देख रहे हो इसके अंदर डाई, ये वाइट नॉर्मली हम अगर एक्सरे करेंगे तो हमें इस तरह नजर नहीं आएगा. अगर हमने ये डाई इंजेक्ट किया हुआ जिसकी वजह से उसने हाईलाइट कर दिया सारा, ये यूरेटर्स दोनों नजर आ रहे हैं और नीचे ये ब्लैडर के अंदर अब जो कंट्रास्ट है वो जा रहा है. ठीक है, हम लोग इसको जाता हुआ देख सकते हैं हम लोग. और अगर एसोफेगस का करें, अपर जीआई ट्रैक का करें, तो हम लोगों ने उसको डिफरेंट नेम दिए होते हैं. एसोफेगस के देखने के लिए उसको बेरियम स्वॉलो कहते हैं. स्टमक को देखना हो बेरियम मील कहते हैं. बेरियम हम किस तरह और कितने टाइम के बाद इंजेक्ट करते हैं वो हम जब ये सारे पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी. अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट मीडियम, और वो हाईलाइट करता है हमारे स्ट्रक्चर्स को. ठीक है, और इंडिकेशंस क्या है जीआई ट्रैक की, जो जिनके लिए हम लोगों को ये डालना पड़ता है डाई. कुछ हमारे डिफिकल्टीज होती हैं, जिस तरह डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हो गया, इनडाइजेशन हो गया, या कुछ अल्सर्स देखने हैं हमने, लाइनिंग देखनी है इंटेस्टाइन की, ट्यूमर्स देखने हैं कुछ. ठीक है, इन सारी चीजों के लिए हम लोग जो अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो बड़ा क्लियरली इस पे नजर आता है. उसमें क्या होगा कि हमने जो डाई इंजेक्ट किया है वो डाई या कॉन्ट्रास्ट मीडियम एक स्पेसिफिक पॉइंट तक जाएगा, आगे जहाँ ब्लॉकेज होगी वहां हमें नहीं फील हो रहा होगा, आगे नहीं जाएगा. ठीक है, तो ये हमें डाई जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम है डाल के हम लोग उस जगह को जो है उसका डायनामिक इमेजिंग देख सकते हैं. ये इंडिकेशन है जी आई ट्रैक की, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, चेस्ट, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे. मेन मेन आपको बस पता हो, ये डिटेल हमने पढ़नी है, एक एक लेक्चर है बल्कि जी आई ट्रैक का. और उसका लोअर जी आई ट्रैक के अंदर बेरियम एनीमा देते हैं फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, बेरियम एनीमा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन को विजुलाइज किया जाता है. ठीक है, ये रेक्टम के थ्रू हम जो है ना कॉन्ट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट करते हैं. अगर एसोफेगस को देखना है तो थ्रू माउथ हम उनको जो है बेरियम पिलाया जाता है उनको, फिर उनका साथ साथ स्कैन किया जाता है. ठीक हो गया, फिर हमारे ये इंडिकेशंस है कुछ के हम किन के अंदर करते हैं, डायरिया, स्टूल, कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, कुछ एक्सरेज किए गए हैं, लार्ज वर्सेस स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन ये देख लो. ठीक हो गया, ये गैसेस नजर आ रही हैं आपको, गैस आपको एक्सरे पे जो है वो ब्लैक नजर आती है, तो इंटेस्टाइन के अंदर देख रहे हो कितनी गैस है. ठीक है, तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, इंटरप्रिटेशन, हम एक्सरेज को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं एक्सरेज के ऊपर, कैसी चीज कौन सी कैसे नजर आती है. एनी क्वेश्चन? यस मैम, एक क्वेश्चन है, पूछो. मैम, जो फ्रेश ब्लड है उसकी अपीयरेंस बता दें एक्सरे पे कैसी होगी? वाइट. तो मैम वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए, जैसे साइनोवियल फ्लूइड है वो हमें ब्लैक नजर आता है, तो फ्रेश ब्लड भी तो लिक्विड फॉर्म में होगा ना? तो होता है, लेकिन फ्रेश ब्लड जो है वो हमें उसकी डेंसिटी एक क्या कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिक्विड तो होती नहीं है, थोड़ी सी डेंस होती है ब्लड जो है ना कंपैरेटिव टू द साइनोवियल फ्लूइड. ठीक है, लेकिन हम ब्लड को भी कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट, उसके अंदर अगर वो फ्रेश ब्लड है या थोड़ा डिलेड है तो वो अपनी अपीयरेंस चेंज करेगा. लेकिन हमें ज्यादातर एक्सरेज के ऊपर जो है वो बहुत वाइट भी नहीं, कभी समटाइम्स ग्रेश नजर आता है, कभी व्हाइटिश नजर आता है, लेकिन हमें वो बिल्कुल ब्लैक नहीं नजर आ सकता, वो फैट नजर आती है इसके ऊपर ब्लैक. जब ब्लैक क्लॉट बन जाएगा तो तब हमें कैसा नजर आएगा? ठीक है, लेकिन उनके शेड्स डिफरेंट होते हैं, कुछ ग्रेश व्हाइट होता है, कुछ ज्यादा व्हाइट हो जाएगा, बिल्कुल अगर डेंस हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल जो अगर सॉलिड बन जाएगा तो वो हमारा ज्यादा व्हाइट हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा कम उसकी डेंसिटी है. ठीक है, डेंस है कम तो वो उतना ग्रे ग्रे सा नजर आएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी वो अपनी विजुअलाइजेशन चेंज करेगा. ठीक है मैम, फ्रेश ब्लड और ब्लड क्लॉट दोनों व्हाइट ही नजर आएंगे जी, लेकिन शेड उनका डिफरेंट होगा. मैंने बताया है आपको कि जो ज्यादा सॉलिड हो जाएगा वो ज्यादा व्हाइट नजर आएगा, जिस तरह बोन होती है.
ठीक है, तो अगर जो फ्रेश होगा वो हम लोगों को थोड़ा सा ग्रे ग्रे बिल्कुल ब्लैकिश ग्रे नजर आएगा, तो शेड्स ही हम लोगों को डिफरेंट फील होंगे। या आप आज जाके ना नेट पे थोड़ा सा सर्च करना है कि हम लोगों को डिफरेंट ब्लड के अपीयरेंस अल्ट्रासाउंड उसके एक्सरेस के ऊपर कैसे नजर आती है, ठीक है? ओके मैम, मैम एनीमा का भी बता दें, ऊपर एक स्लाइड में लिखा हुआ था बेरियम एनीमा तो अभी हम उसके अंदर क्या कहते हैं, लेकिन आपको पता हो कि बेरियम एनीमा मैं अभी नाम बता रही थी, बेरियम स्वॉलो करते हैं फॉर द अपर जीआई एसोफेगस को देखने के लिए, बेरियम मील करते हैं हम लोग स्टमक को देखने के लिए, ठीक है, बेरियम फॉलो थ्रू करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को देखने के लिए, और बेरियम एनीमा करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को देखने के लिए, ठीक है। बाकी जो तीन ऊपर मैंने बताए हैं वो हम लोग कॉन्ट्रास्ट मीडियम पेशेंट को पिलाया जाता है, ठीक है। बेरियम एनीमा के अंदर जो है वो थ्रू रेक्टम जो है हम इंजेक्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को देखने के लिए, ठीक है। तो एनीमा ये सबकी नेम्स हैं, ठीक है, ये प्रोसीजर्स हैं सारे जो कि हमने अल्ट्रासाउंड फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स देखने होते हैं। इसमें हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और थोड़ा थोड़ा साथ साथ वीडियोस की देखते हैं। तो एनीमा फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन उसको देखने के लिए, कॉलोन को देखने के लिए, सिग्मोइड को देखने के लिए, रेक्टम के लिए ट्रांसवर्स कॉलोन, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग जितना लार्ज इंटेस्टाइन का हमारा एरिया है वो हम बेरियम एनीमा में देखते हैं। फिर मैम आजकल जो कोविड के पेशेंट होते हैं उनके जो लंग्स होते हैं उनमें फाइट वाइट पैचेस होते हैं, तो वो भी कंसोलिडेशन होती है? ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? जो हमारे पास कोविड के पेशेंट है उनको हम लोग शायद कहते हैं, मुझे नेम नहीं क्लियर हो रहा, उसको ग्लास समथिंग इस तरह करके कुछ कहते हैं, किसी को पता है? तो वो मैम ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, एग्जैक्टली मैंने ये सुना था। वो जो अपीयरेंस होती है वो चेस्ट एक्सरेस के ऊपर हमें कोविड के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। बल्कि आपके सीनियर हैं जिन्होंने अब ग्रेजुएट हुए हैं, उन्होंने रिसर्च अभी की है, तो उनका टॉपिक ही ये था, उन्होंने कोविड के चेस्ट एक्सरेस टॉपिक लिया, चेस्ट एक्सरेस के ऊपर उन्होंने सबकी जो है वो ली है कोविड पेशेंट। अभी जो रिसर्च की है ना, जो अभी अभी ग्रेजुएट जील और उस्मान वगैरह जो है ना उनकी रिसर्च ये थी, आप बेशक उनसे कहो कि वो आप लोगों को रिसर्च अपने जो है वो सबके साथ शेयर करें, उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की है, बल्कि कोविड जो हमारे वार्ड्स हैं उधर जाके उन्होंने पेशेंट से डाटा लिया है और उनकी वहाँ ज्यादा तो बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, और उन्होंने चेस्ट एक्सरेज जो है उनके ऊपर कोविड के अंदर क्या क्या डिफरेंट साइन मोस्टली क्या मिले हैं उन्हें, और ज्यादा जरूरी नहीं है कि हमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ही मिली है सब में, तो किसी के अंदर कैसे अपीयरेंस मिली है किसी, तो कोविड के अंदर डिफरेंट उनको मिले हैं, फिर उन्होंने उसका वो निकाला है जो भी, ठीक है, कि किस कि, क्या क्या परसेंटेज थी किन डिजीज की, कैसी अपीयरेंस थी एक्सरेस की, तो उन्होंने मोडेलिटी कौन सी ली है। आप लोग भी जब रिसर्च करोगे अभी से अपनी कोई मोडेलिटी जो कि जो भी आपके इंटरेस्ट की है वो सोच के रखो कि मैंने एक्सरेस के ऊपर करना है, मैंने MRI पे करना है, मैंने अल्ट्रासाउंड करना है, तो फिर वो ताकि आप लोगों को वो पेशेंट डाटा मिल सके, वो रिसर्च करनी है आपको जिसका आपको डाटा ईजिली मिल जाए, ठीक है। तो रिपोर्टिंग तो हम लोगों ने करनी नहीं होती है, रिपोर्टिंग तो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन आपको मेन मेन चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह की चीजें कैसी नजर आती हैं। अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, लेक्चर खत्म हो गया, मैंने अटेंडेंस पहले सोचा था क्लास में ले लूँ, मैं जूम के ऊपर तो रिकॉर्ड आ गया होगा मेरे पास, तो मैं अटेंडेंस अब आपकी बाद में लगा लूंगी, ठीक है। अब मेरी क्लास है 7:10 दूसरी, ठीक है, क्लास एंड करते हैं। अपना सब बहुत सारा ख्याल रखा करो, कोविड जो थर्ड वेव है ना बहुत खतरनाक है और वो हर एक को जो है ना बहुत बुरी तरह से अटैक कर रही है, और 50-40 प्लस लोग आपके घर में जितने हैं इनकी वैक्सीनेशन जरूर करवाओ, ठीक है। क्या करता है, लोग तो डरे हुए हैं, आप लोगों ने समझाना है अपने बड़ों को कि पता नहीं वैक्सीनेशन कैसी है क्या है, तो वैक्सीनेशन से क्या होगा, कुछ भी नहीं, आपके अंदर एक क्या कह सकते हैं इम्यूनिटी ही बढ़ती है आपकी, आप 40 प्लस वाले ज्यादा जो है वो रिस्क पे हैं कोविड के, कोविड सबको हो रहा है आजकल, हमारे जिसके भी लोगों को सबको हो रहा है कोविड, लेकिन क्या होता है कि हम लोग यंग जो है ना रिकवर जल्दी कर लेते हैं, हमारी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली हमसे अच्छी होती है तो हम लोग रिकवर कर लेते हैं, जो 50 प्लस वाले होते हैं उनके साथ
एसोसिएटेड काफी डिजीजेज होती हैं, किसी को वैसे ही लंग प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का किडनी प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, किसी को नहीं भी चल रहा तो उसकी इम्यूनिटी इतनी लो होती है कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अपने जितने भी बड़े हैं उनकी वैक्सीनेशंस करवाओ, अपना ख्याल रखो, खुद को सैनिटाइज रखो, ठीक है, बहुत बाहर जाना से अवॉइड करो, ठीक है, जिंदगी है तो सब कुछ है। आप लोगों के पास जितने लोग, मैं कह रही हूँ बाहर जाती हूँ मैं अभी देखती हूँ तो इतने लोग शॉपिंग के लिए, ये वो उस तरह क्या करोगे यार शॉपिंग, और ये ईद, ईदें भी आएंगी, जब नहीं कोई होगा तो फिर क्या करोगे। ठीक है, तो अपनी जिंदगी सबसे पहले, अपना ख्याल रखो, अपने बड़ों का ख्याल रखो। ठीक है, चलो ठीक है, अपने लेक्चर एंड करते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।